ओम शांति। आज की तारीख है 3/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा, हम बच्चों को हमारी बुद्धि में कैसे बाबा की याद ठहरे उसका कारण सुनाते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले कि बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा, बिगर ज्ञान के याद नहीं ठहरेगी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी है और करानी है। प्रश्न है, ईश्वर दाता है फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? उत्तर है, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं, समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना, यानी ईश्वर को अपना बच्चा बनाना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो, इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वो बाबा हमें क्या देते हैं, वो 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी ले आते हो और बाप से तुम हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। क्या मिसाल है? मुट्ठी चावल लाया सुदामा ने, प्रभु ने प्यार से स्वीकारा और उसको बदले में क्या मिला? महल मिल गए। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना क्योंकि सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर 1, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय भगवान से, सभी जाते हैं क्या करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आशीर्वाद मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है, उसकी याद में मग्न रहना है, बस उसको याद करना है, मांगना कुछ भी नहीं। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। नंबर 2, शिव बाबा को अपना वारिस बनाए उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है, 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है, वरदान सतगुरु बाबा का। तो निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान का हम एग्जाम्पल है। स्टेज पर रहना माना सारे विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करना। स्लोगन है, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में
नहीं आओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।